चालक है जरा तीसरे पावे के ऊपर भी चालक, उसके ऊपर मेरा चारे पाँव मुकम्मल कर ही रहा ऐसे करके रहा, उसके ऊपर मेरा चारे पाँव मुकम्मल कर दे हुए बकरे ही रहा ऐसे करके, ख्याल के साथ चाली रहा संभल के चाली रहा ऐसे करके, शाबाश ऐसे करके नीचे आन के रहा सलाम करते रहा, सजदा अल्लाह को कर दे सलाम सबको करते रहा, चक्कर लगा ऐसे करके चक्कर लगा के बता सब दुनिया का कौन मालिक है, कौन वसीला जिसने कुल दुनिया पैदा की है, जो गरीब को अमीर को जिसे को रोटी दे रहा, मुसलमान का सजा तो बता जिसके साथ खाना खाता यार मेहरबानी जगा सबका दे रहा, कौन सा सजा उठा के बता। तीसरा कहना माने रहा सजदा कर, सजदा ऐसे कर जैसे मुसलमान नमाज पढ़ के सजदा अल्लाह को करते रहा, सजदा अल्लाह को कर सलाम और दुआ बच्चों पर कर रहे, छः महीने साल हो गए उन्होंने हमारे बंदर पकड़ लिए, तो उनको हमने बोला भी वो कह रहे हैं जाए इमरान खान को, भी बोलेंगे तो हम नहीं देंगे, हमें तो अपने गेट के अंदर नहीं जाने देते तो इमरान खान के पास कौन जाने देगा। वजह उन्होंने ये बोली अभी बस इधर इस्लामाबाद में नहीं आओ, ये जंगली जानवर हैं ये आप क्यों रख रहे हैं, हमारा तो एक बच्चों का रोजगार था, उन्हें बच्चों से ज़्यादा प्यारे रखे हुए थे, उन्होंने बस पकड़े मारे से पकड़ के जंगल में भी नहीं छोड़े, चिड़िया घर में बंद कर दिए। मजदूरी हम इसलिए नहीं करते, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मेरे से जोर वाला काम नहीं होता, गरीब लोग है जो हमारे बंदर वगैरह बंद कर दिए, उसका मेहरबानी करे कुछ कर दें, हमें कोई सेंस बना दें, कोई इजाज़त वगैरह दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ़ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाज़रीन हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसे बहुत से किरदार देखते हैं जिन पर एक दफ़ा नज़र पड़ती है तो दोबारा हम देखने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसा ही किरदार मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद नदीम है, जो गली गली फिर कर एक तो बाँसुरी बजाते हैं, इनकी बाँसुरी की आवाज़ जो है जहाँ कानों में रस घोलती है वहाँ उनके साथ एक बकरी भी मौजूद है जो करतब दिखाती है, अल्लाह का नाम लेती है, अल्लाह को सजदा करती है और एक मुख्तलिफ जो बने हुए हैं लकड़ी के बने हुए उनके ऊपर वो खड़ी हो जाती है। ये कैसे करते हैं, उसको सिखाने में इनको कितना टाइम लगा है और ये बांसुरी उन्होंने कहाँ से बजाना सीखी है, आइए ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम है। कहाँ से आते हैं? मैं खन्ना पुल से आता हूँ। ये बांसुरी बजाना आपने कहाँ से सीखा? ये बांसुरी माँ हमने खुद ही सीखी और हमारे अपने लोग हम उनसे सीखते हैं। तो क्या ये आपका ख़ानदानी पेशा है? ये ख़ानदानी काम है, शुरू से यही कर रहे हैं। कौन सी नस्ल है जो अभी तक ये आपका वो चल रहा है ये बांसुरी बजाने का? हमारा तो ये ख़ानदान से ये चल रहा है शुरू से, जब से ये हम काम कर रहे हैं उसी वक्त का। अच्छा, लोगों को हमने देखा है कि वो बंदर के करतब दिखाते हैं और आपने साथ एक बकरी रखी हुई जो करतब दिखाती है, इसकी क्या? इसकी फिर वो बंदर का आ जाता ना, हमारे पास है थे बंदर, वो वर्ल्ड एफ वाले ने पकड़ लिए थे, बस अभी बकरी के साथ कर रहे हैं। तो पहले बंदर था आपके पास? जी बंदर था। तो कितना टाइम हो गया जब उन्होंने आपसे छीन लिया, क्या वजह क्या बताई थी? वजह उन्होंने ये बोली अभी बस इधर इस्लामाबाद में नहीं आओ, ये जंगली जानवर हैं ये आप क्यों रख रहे हैं, लोगों ने पिंजरे में बंद किए हुए इतने इतने जानवर बंद किए हुए, हमारा तो एक बच्चों का रोज़गार था, उन्हें बच्चों से ज़्यादा प्यारे रखे हुए थे, उनने बस पकड़े मारे से पकड़ के जंगल में भी नहीं छोड़े, चिड़िया घर में बंद कर दिए। तो कितने बंदर आपके पास थे? हमारे तो कम से कम को 15-20 आदमी थे, उन सारों के पकड़ लिए। तो उन्होंने कुछ आपको पेमेंट शेमेंट की या नहीं? पेमेंट क्या, हम उनके पास गए, उनके मिनते तरले में किए, वो गेट से अंदर ही हमें जाने देते, गरीब लोग हम किसको जाके बताएं। तो जब उन्होंने आपसे बंदर ले लिया तो तब आपने ये बकरी खरीदी? जी जी फिर खरीदी थी, वो क्या खरीदी थी फिर किसी से पैसे ले गए जो ली थी सीखी हुई, ये इस पर 6 महीने साल मेहनत होती है फिर सीखती है, तो 6 महीने साल हो गए उन्होंने हमारे बंदर पकड़ लिए, तो उनको हमने बोला भी वो कह रहे हैं जाए इमरान खान को, भी बोलेंगे तो हम नहीं देंगे, हमें तो अपने गेट के अंदर नहीं जाने देते तो इमरान खान के पास कौन जाने देगा, बस यही हम गरीब लोग हैं यही कह सकते हैं, भी हमारे लिए भी कुछ करें कोई, तो बारे में कुछ हल करें कोई, हमें बंदर वगैरह को कोई सेंस बना दे, हम उसकी फ़ीस देते हैं, बस ये हमारी यही पील है आपके आगे। अच्छा, तो ये बकरी को आपने सिखाया है, जैसे आप बता रहे हैं कि 6 माह लग जाते हैं आपको इसको सिखाने में, तो इसको कैसे सिखाया, कैसे है, किस तरह से बताया? ये हम छोटा बच्चा लेते हैं ना, जब वो लकड़ के पावे पर खड़ा करते, पहले इतने का पाया हो तो उसके ऊपर खड़ा करते हैं, फिर उससे बड़ा होता रखते हैं, फिर उससे बड़ा करते हैं जी, फिर इसको ट्रेन करते हैं पावे वाला। तो मतलब जब आप कहते हैं तब ये करती है या वैसे खुद ब खुद भी करती है? नहीं खुद नहीं करती, इनको हमने बताया था भी, इशारा भी समझता है, बोली भी समझता है, जब इसको बोलेंगे ये फिर करेंगे, ऐसे नहीं करना। तो क्या क्या करतब ये दिखाती है बकरी? ये अल्लाह का नाम लेती है, अल्लाह के सजदा करती है, वो लकड़ों के पावे लकी रानी सर्कस वाले उनके ऊपर खड़ा होती है।
तो आप पहले लकी रानी सर्कस में भी काम करते थे? वो ना उधर यही कमाल होते हैं ना, लकी रानी सर्कस वाले जानवर कितने कितने कमाल करते हैं, हमने भी उसी से देख के इसको भी ट्रेन किया हुआ। अच्छा, तो आप ये सिर्फ गली गली घूम कर ये करतब दिखाते हैं या कहीं पर आपकी कोई मखसूस जगह भी है? मखसूस जगह है थी पहले, पार्कों में हम बंदर लेके बैठते थे, उधर वो वाइल्ड लाइफ वाले ने बैठने दिया, अभी हम गली गली में फिर रहे हैं बकरा लेके। तो कितनी आपकी हो जाती है कमाई दिन भर की? बस अल्लाह का शुक्र है, खर्चा मर्चा बन जाता है, गुजार 800-1200 बन जाता है। कोई ऐसे लोग हैं को खुशी के साथ ज़्यादा देते हैं, नहीं तो ये 1200-1500 हो जाता है। तो कितनी बकरियाँ कितनी हैं जिसको आपने ट्रेन किया हुआ? बकरी फिलहाल देखी है मेरे पास। तो बाकी जो आपके लोग थे जिनके सब बंदर उन्होंने ले लिए था, क्या उनके पास भी बकरियां हैं या कोई और जानवर भी होता है जिस पर ट्रेन मतलब उसको ट्रेन किया जा सकता है, वो भी करतब दिखा सकते? हाँ, ज़्यादातर बस बकरियां भी लेके फिर रहे हैं, क्यों अभी तक जब वर्ल्ड लाइफ वाले छोड़ते नहीं, हम गरीब लोग हैं, 20-30 हज़ार का बंदर लाएंगे वो पकड़ लेंगे, फिर हम किधर से लाएंगे, बकरी लेके गुजारा कर रहे हैं। और ये जो बांसुरी आप बजा रहे थे, तो इस पर क्या कोई ख़ास ख्याल रखना पड़ता है सुर का या ताल का या इसका क्या होता है? नहीं, इसकी तो यह चीज़ ना, इसकी थोड़ी सी जेन इस पर रखना चाहिए, फिर ये सीखता आदमी। तो ये कम से कम मुझे 20 साल हो गए बजाते हुए, अभी तक मैं ट्रेन हूँ। तो किसी फंक्शन वगैरह में भी जैसे जो होते हैं मुख्तलिफ म्यूज़िक वगैरह करते हैं, वहाँ पे आपने कोई अपनी खिदमत सर अंजाम दिए हैं या नहीं? नहीं, उस तरफ से नहीं दिए, वैसे लोगों के प्रोग्राम होते हैं उधर बुला लेते हैं, शादी होता प्रोग्राम होते उधर बुला लेते हैं, सुनते हैं, बस उस तरह होता है। तो आपको क्या गाना गाना भी आता है? जी जी, गाना भी बजा लेते हैं, सुनाएं ज़रा। कौन सा गाना गाया? ये वो राखत का गाया, तेन समझावा की। वैसे भी आपकी आवाज़ भी सुरीली है क्या? नहीं, आवाज़ पे नहीं, हम गाते इसी बांसुरी पे सुनाते हैं जी। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही कह रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, जो हमारे बंदर वगैरह बंद कर दिया है, उसका मेहरबानी करे, कुछ कर दें, हमें कोई सन से बना दें, कोई इजाज़त वगैरह दे दें कोई। तो आपकी कमाई का वाहिद जरिया ये है या कोई और काम भी करते हैं, मजदूरी वगैरह भी करते हैं? मजदूरी हम इसलिए नहीं करते, मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरे से जोर वाला काम नहीं होता। तो कितने बच्चे आपके? बच्चे मेरे 5 हैं। और घर शहर रेंट का है? जी, वो झोंपड़ी लगाई हुई है, झोंपड़ी लगाई हुई है, बच्चे जो है हमने जो उसको स्कूल में डाला, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जितनी जितनी फीस होती है बस देते रहते हैं, जैसे फिर पढ़ाई भी उनकी होती है, ज़्यादा पैसे पूरे देंगे तो पढ़ाई पूरी करेंगे। तो आपके बच्चों में भी किसी को बांसी बजाना या इनको आगे सिखाना वो आता है या नहीं आता? नहीं नहीं, उनको नहीं हम सिखा रहे, वो और काम करेंगे, बस ये हमारी मजबूरी है, हम इससे अलावा और कर नहीं कुछ सकते, ये शुरू से सीखा हुआ। जी नाजरीन, टैलेंट किसी की मेरास नहीं है, मोहम्मद नदीम जहां उनकी बांसुरी एक दफ़ा लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती है, वहीं जो बकरी है उनके करतब भी लाजवाब हैं। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, ओसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।